नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन, इंडिया वॉच न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं आपको देता हूं। या आज नया साल का पहला दिन है, आज आपके मौज मस्ती का दिन है। लगातार हम लोग गंभीर मुद्दों पर, राजनीतिक और सामाजिक मसलों पर गंभीर चर्चाएं आयोजित करते हैं, लेकिन आज आपके सामने हम कुछ एक नया पेश करना चाहते हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी इसके पहले एक प्रोमो भी चल रहा था कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं मुलायम सिंह, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव। आपको भी जिज्ञासा होगी कि मुलायम और शिवपाल और अखिलेश एक साथ मंच पर आ रहे हैं, तो इसके बारे में मैं अब एक रहस्य आपके सामने रख दूं। और एक बड़ा ही एक मजाकिया और बहुत ही मजेदार तथ्य है कि हमारे बीच, हमारे सामने अब हम पेश करेंगे आपके सामने शशि शाक्य जी को। ये ऐसे शख्स हैं जिनके अंदर में मुलायम, शिवपाल और अखिलेश की आत्मा बसती है। अखिलेश की आत्मा कुछ ज्यादा बसती है। तो अब हम सीधे आपके सामने ले चल रहे हैं शशि शाक्य जी के पास, जिनको हम अभी पहले दौर में, इस कार्यक्रम के पहले दौर में अखिलेश यादव के रूप में प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद इनकी शख्सियत अचानक शिवपाल में बदलेगी और आखिरी में ये अभिभावक मुलायम की तरह आपके सामने पेश होंगे। तो आप इजाजत दें, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को। पहले तो मैं आपको इस नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपके इंडिया वॉइस के जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको इस साल नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज चूंकि 2019 का साल है, चुनावी होने हैं, इसलिए कहीं के बहुत महत्वपूर्ण साल हो जाता है। और मैं समझता हूं कि जनता को भी एक तरह से बधाई, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, बेहतर रहे और आप भी बेहतर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, और आपको हम लोगों के बीच पाकर बहुत ही खुशी हो रही है। आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब अखिलेश जी, कुछ ऐसे सवाल भी करूंगा जो आपको थोड़ा तीखा लगेगा, लेकिन चूंकि आज समय की जो मांग है, उस मुताबिक आप उसको किस तरह से सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे। तो मेरा पहला सवाल है अखिलेश जी कि आज साल का पहला दिन था, नए साल की का उत्सव, उत्साह सब लोग मना रहे हैं, आपने भी मनाया होगा, तो क्या अखिलेश जी आज आपने अपने पिताजी से आशीर्वाद लिया और अपने चाचा शिवपाल जी से आशीर्वाद लिया? आज चूंकि ये पुरानी परंपरा है, शायद आप भी अपने जो बड़े हैं उनसे मिलते हैं, हम भी मिले हैं। नेताजी का आशीर्वाद तो शुरू से है और नेताजी का आशीर्वाद लिया है, परिवार में सबसे साथ एंजॉय किया और एक तरह से जो नए साल में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो किए हैं। नहीं, इसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो सवाल मेरा फिर से है कि आपकी आज मुलाकात चाचा शिवपाल जी से हुई? क्योंकि वो चाचा पहले हैं और बाद में चूंकि अब पार्टी बन गई है तो उसके अध्यक्ष भी हैं, लेकिन चाचा पहले हैं। तो परिवार का मामला है, तो परिवार के तौर पर हम चाचा से मिले हैं। और ये राजनीति में, राजनीति और व्यक्तिगत अलग होता है, व्यक्तिगत हम मिलते हैं, राजनीति का दूसरा रास्ता है। तो चाचा ने आपके नई पार्टी बना ली और आपके चाचा और भतीजे के बीच में जो कुछ भी होता रहा ये हम सब लोगों ने देखा, प्रदेश की जनता ने देखा, पूरे देश की जनता ने देखा। तो इस पर आपको कुछ पश्चाताप या प्रायश्चित कुछ होता है क्या? मैं ये कह सकता हूँ कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको पार्टी बनाने का, वोट देने का हर तरह का अधिकार होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो आप भी पार्टी बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चाचा ने बनाई है तो उनका स्वागत है। और जो भी मैं कह सकता हूँ कि जो भी भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ रहेगा, हम उसके साथ हैं। चलिए शिवपाल जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप चीज़ों को बहुत ही बेबाकी से स्वीकार कर रहे हैं। अब ये भी जनता जानना चाहती है कि नया साल है और आप भतीजे भी हैं, कोई आपकी बुआ भी है, तो क्या आप आज आपने बुआ को शुभकामना दी और उनसे आशीर्वाद लिया? आज चूंकि नए साल पे सबसे हम मिलते हैं, बुआ हैं, और हमने तो पुराने आपत्कार हैं, पहले से हम उनको बुआ कहते आए हैं, अब नया साल है तो उनको भी हमने मुबारकबाद दिया है।
तो नए गठबंधन को लेकर कुछ बातचीत हुई है कि नहीं? अब वो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप जो हैं ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, और राजनीति में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इसको आपको मैं बताऊंगा गठबंधन किस तरह होगा और उसका प्रारूप क्या होगा। क्योंकि अगर आपको अभी बता दूंगा तो आप अच्छे दिन वाले भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो उनको कहीं ना तोड़ मिल जाएगा हमारी राजनीति का। ये आपने अच्छी बात कही कि तोड़ मिल जाएगा, लेकिन ऐसी क्या गोपनीयता है कि आप इसको छुपा के रखना चाहते हैं? कोई गोपनीयता नहीं है, चूंकि ये जिस मुद्दे पर ये सरकार आई थी, उन्होंने कहा था रोजगार मिलेगा नौजवानों को, कानून व्यवस्था ठीक होगी, विकास होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं विकास। इसलिए हम कहीं ना कहीं इस बीजेपी को, इस अच्छे दिन वाली सरकार को उखाड़ना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी हमारे साथ आएगा, हम जिसकी मदद कर पाएंगे या जिसकी मदद हम कर पाएंगे या जो हमारी मदद लेना चाहे, हम वो देने के लिए तैयार हैं। अच्छा अखिलेश जी, ये बताइए कि कांग्रेस के साथ आपका बड़ा हेल मेल रहा है, राहुल जी के साथ तो आपकी बड़ी मित्रता रही है, फिर अचानक क्या हुआ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस से प्रेम नहीं रहा और फिर अलग अलग हो गए? आज चूंकि हम लोग राजनीति में हैं, राजनीति में ये सब चलता है, कभी कोई पावरफुल होता है, कभी कोई पावरफुल होता है। अब चूंकि हमारा एक विधायक जो जीता है मध्य प्रदेश में, कहीं उसको सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा दल आए जो भारतीय जनता पार्टी को तो उखाड़े ही, जो मुद्दे हैं उन पे बात करे। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक अलग फेडरल फ्रंट बनना चाहिए उत्तर प्रदेश में। फेडरल फ्रंट बनना चाहिए। अच्छा अखिलेश जी, ये बताएं कि आपको कभी लगता है कि 2017 का चुनाव बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, दो ही साल, पौने दो साल हुआ है, और उत्तर प्रदेश में आपकी 5 साल सरकार रही, आपने कुछ काम भी किया, आपको कभी ये लगता है कि आपके आपके कलेजे पर ये योगी सरकार की जो मेट्रो रेल गुजर रही है, तो आपको कैसा एहसास होता है? मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ा चुनाव था 2017 का, और जिस तरह जो विकास किया हम समाजवादियों ने, उसको हम जनता के बीच लेके गए थे, लेकिन ये जनता के बीच जो बीजेपी वालों ने जहर घोला, कभी जात के नाम पर वोट मांगा, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगा, कभी झूठ फैलाया, तो कहीं ना कहीं ये भारी पड़ गया। क्योंकि जब चुनाव में एक प्रधानमंत्री कहे आके कि हम दिवाली पर कम बिजली देते हैं, ईद पर ज़्यादा देते हैं, तो कहीं के ऐसे मुद्दे जो जनता को जिन्हें भ्रमित हो गया कि हम किसानों का कर्ज माफ़ कर रहे हैं, तो जनता भी कहीं कहीं इससे कंफ्यूज हुई, और इसीलिए परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ पाए। अच्छा अखिलेश जी, एक सवाल है, जब आपकी सरकार थी तब भी अपराध होता था, और आज योगी जी की सरकार है तब भी अपराध होता है, फिर आप कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पर क्यों आरोप लगाते हैं? हम इसलिए आरोप लगाते हैं कि अपराध हमारे समय भी रहा होगा और अभी भी हो रहा है, लेकिन आप पत्रकार लोगों ने हमारी फ़ोटो चलाई उस अपराध में, हमारी फ़ोटो चलती थी अपराध के साथ, लेकिन इन मुख्यमंत्री की तो फोटो नहीं चल रही है, तो ये एक बड़ा बदलाव है। और जहाँ तक आंकड़े अगर बात की जाए, तो आंकड़ों में कहीं ना कहीं ये वाली सरकार जो मौजूदा चल रही है, इसका क्राइम रेट काफ़ी गिरा है, क्योंकि इन्होंने जो नीति अपनाई है कि ठोक दो, पुलिस वालों को से कहा कि ठोक दो, तो ऐसा ठोका, कभी पुलिस वाला ठोक रहा है किसी को, और कभी पुलिस को कोई ठोक रहा है। तो अखिलेश जी, ये जो ठोक दो वाला जो ये जो शब्दावली चली है, तो ये जो 2017 के चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को जो ठोक दिया, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये गलत नीतियों पर इन्होंने किया, जिस तरह के जो मुद्दे थे उन पर तो बात नहीं हुई, ना अभी तक हो रही है। मुद्दा तो विकास का था, किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी आपने, किसानों के कर्ज माफ की बात कही थी आपने, नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी आपने, जो हमारा एक्सप्रेस वे थे जिसको हम लखनऊ तक ले आए थे, इसको पूर्वांचल तक ले जाने का वादा था, लेकिन वादे पे तो बात नहीं हो रही है। कभी हनुमान जी की जात बताई जाती है, कभी किसी की जात बताई जाती है, और ये तो अभी जात बताई थी तो मध्य प्रदेश में हनुमान जी ने प्रसाद दे दिया। अगर 19 तक यही इन्होंने मुद्दे किए, तो कहीं ना कहीं इस बार भंडारा होने जा रहा है, और ये सरकार द्वारा वापस नहीं आ रही है। ये भी अखिलेश जी अच्छी बात आपने कही कि भंडारा होने जा रहा है, और लेकिन इस बार अभी जब हमारे इसमें स्टूडियो में आप आए, तो आपके हाथ में वो टोटी नहीं दिखी जो आपके आवास को लेकर जो मामला हुआ था। और नहीं, वो टोंटी जो हिसाब मांग रहे थे अच्छे दिन वाले कि हम इनकी टोंटी उखाड़ कर ले गए हैं, इनके वो हाथ तक टोंटी हम पहुंचा चुके हैं, क्योंकि अभी तो घर इनको भी खाली करना है, कोई लिखवा के तो आया नहीं है कि मुख्यमंत्री रहेगा,
इस बार शायद कोई और मुख्यमंत्री होगा तो इनको घर खाली पड़ना करना पड़ेगा, तो पता चलेगा उसी घर में कहीं चिलम मिलेगी, कभी अफीम मिलेगी, तो फिर इनको भी कैमरे में दिखाया जाएगा। नहीं तो ये जो टोटी, एक समय ऐसा आया कि जिस समय टोटी लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए तो कई लोगों ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है ये टोटी होता तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहता। नहीं, ये बीजेपी वालों ने हिसाब मांगा था, जब हमने घर खाली किया तो जो मैं अगर लैपटॉप बांट सकता हूँ 18 लाख, अगर एक्सेस भी बना सकता हूँ और मेट्रो चला सकता हूँ, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था 100 दे सकता हूँ, तो कम से कम टोटी का आरोप लगा देना ये कहाँ तक उचित था? तो ये कहीं कहीं सोच समझ के आरोप लगाना चाहिए था। अच्छा, ये कौन ऐसे आपके सिपहसालार थे जो जिन्होंने कहा कि आप टोटी लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएं? नहीं, ये चूंकि हमसे हिसाब मांगा गया था कि हम इनकी टोटी ले गए हैं, तो हम टोटी उनको वापस करने आए थे, लेकिन अभी तक कोई ना हिसाब मुझे मिला ना कोई टोटी वापस ले रहा हमारी। लेकिन योगी सरकार से शायद आपकी बातचीत हो गई, क्योंकि वो घर को लेकर जो मामला उठा, घर को नष्ट किया गया, खोदा गया, टोटी उखाड़ी गई, अब ये मसला चल नहीं रहा है। नहीं, मसला ये दरअसल जब कोई मुद्दा आ जाता है उससे ध्यान भटकाने के लिए चीज़ें लाते हैं। अब उस समय कुछ मुद्दा रहा होगा, उससे ध्यान भटका दिया तो ये टोटी वाला ला दिया, अभी खूब फिर कोई क्राइम व्यवस्था गड़बड़ाई गई है फिर कोई नया मुद्दा ला देंगे, तो ये ध्यान भटकाने की राजनीति है। अच्छा, तो आपसे आवास खाली करा लिया गया और तमाम तरह के विवाद हुए, लेकिन आपके चाचा श्री को योगी जी महाराज ने बड़ा आलीशान बंगला दे दिया, वो मायावती आपकी बुआ जी वाला बंगला दे दिया। अभी तो आपने बंगला देखा है, अभी आने वाले दिनों में देखना, ऊपर चाचा का मकान, नीचे योगी की दुकान। ये दुकान जो चल रही है राजनीति की, कि किसी तरह से जो शक्तिशाली राजनीतिक दल है उसको किस कैसे तोड़ा जाए, ये राजनीति है, और ये कहीं न कहीं बीजेपी वाले करा रहे हैं। और लेकिन जनता सब समझ चुकी है, क्योंकि जनता को कोई जिन मुद्दों पर आए थे तो जनता को तो मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए ये 2019 का साल है और जनता समझ रही है चुनाव आने जा रहा है, और कहीं कहीं चुनाव हमारे बहुत तो ही। अखिलेश जी, इसका मतलब है कि यह एक प्रदेश के लोगों के लिए मैसेज भी है, और इस नए साल की शुरुआत पे आप संक्षेप में जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी देश और प्रदेश की जनता को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आप खुश रहें, आप तरक्की करें और खुशहाली आपके बीच आए। इसी साथ में बीजेपी वालों से कहना चाहूँगा कि आपने जो कम से कम वादे किए थे, 4 साल हो गया है और थोड़ा बचा है, अब तो नया साल है, कम से कम वो पूरा कर दीजिए। आपने तो कहा था कि ये रोज़गार मिलेगा नौजवानों को, नौजवानों को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। आपने कहा था एक्सप्रेस वे बन जाएगा, एक्सप्रेस वे तो पूर्वांचल तक अभी तक पट्टे तक नहीं, मैण तक नहीं वहाँ तोड़ी गई हैं, तो ये एक्सप्रेस वे बन जाए, और जो भी आपने वादा किया था वो कह दो, वादा पूरा कर दो, नहीं तो फिर मैं बीच में फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अखिलेश जी, आप यहाँ आए, स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, हम ब्रेक के बाद मिलते हैं, और इस बार मिलते हैं अखिलेश जी के चाचा शिवपाल यादव से।